भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ हमेशा से श्रद्धालुओं का केंद्र रहे हैं, लेकिन हिमालय की तलहटी में बसे कुछ तीर्थ सदियों से उत्तराखंड की देवभूमि में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उत्तराखंड से निकलने वाली पवित्र नदी गंगा भारत के हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक है। गंगा हिंदुओं के जीवन और मरण से जुड़ी है और उत्तराखंड की पवित्र धरती में चूंकि गंगा का अवतरण हुआ तो उत्तराखंड के कुछ तीर्थ हिंदुओं के महातीर्थ बन गए। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे ये तीर्थ हमेशा से भारत के हिंदू धर्मावलंबियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। उत्तराखंड के इन तीर्थों में 5 की संख्या का विशेष महत्व है और इसीलिए यहां के पंच तीर्थ अर्थात पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग हिंदू श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से उत्सुकता का विषय बने हुए हैं और हर साल लाखों तीर्थयात्री इन पंच तीर्थों की यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। इन पंच तीर्थों की यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होती है। हरिद्वार हिंदुओं के श्रेष्ठ तीर्थों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार गंगा के किनारे बसे तीर्थों में हरिद्वार एक श्रेष्ठ तीर्थ है। पुराणों में इसे गंगा द्वार और मध्य युग में इसे मायापुरी कहा जाता था। हर की पौड़ी में प्रतिवर्ष करोड़ों तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है जहां एक साथ करोड़ों लोग स्नान कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहां की गंगा आरती देखने हर शाम हजारों लोग आते हैं। यहां चंडी देवी, मनसा देवी और कनखल जैसे तीर्थ हैं। यहां से 25 किलोमीटर पर ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पौराणिक काल से ही तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धा का पात्र रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंच प्रयागों की। प्रयाग अर्थात संगम स्थल, दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। वैसे तो देवभूमि में कई संगम अथवा प्रयाग हैं, मगर पंच प्रयागों का विशेष महत्व है। इन पंच प्रयागों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पांचों प्रयाग अलकनंदा के संगम से बनते हैं। ऋषिकेश से आगे
दुर्गम पहाड़ी रास्ता प्रारंभ होता है और हम पहुंचते हैं पहले प्रयाग यानी देव प्रयाग। कहते हैं यहां सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम देव प्रयाग पड़ा। बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी के संगम से मिलकर बना है देव प्रयाग। ये प्रयाग पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी यहां संगम करके भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का निर्माण करते हैं। सच तो ये है कि देव प्रयाग से ही गंगा प्रारंभ होती है। इस संगम में स्नान की बहुत महत्ता है। रामनवमी, विजयदशमी और वसंत पंचमी को यहां बड़ा मेला लगता है। देव प्रयाग का एक और आकर्षण रघुनाथ मंदिर है। कहते हैं इसका निर्माण स्वयं श्री राम ने किया था। इस मंदिर में गढ़वाल के विभिन्न राजाओं के अभिलेख अथवा ताम्रपत्र भी पाए जाते हैं। देव प्रयाग का दृश्य बड़ा सुंदर और मनोरम है। अलकनंदा और भागीरथी के मुहाने पर तीन पहाड़ियों पर बसा ये नगर एक पर्यटक स्थल का आभास देता है। यहाँ कई मंदिर एवं आश्रम भी हैं। देव प्रयाग से श्रीनगर होकर हम पहुंचते हैं दूसरे प्रयाग रुद्र प्रयाग। केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी एवं बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा का संगम है रुद्रप्रयाग। हरे रंग में बहने वाली अलकनंदा और नीले रंग की मंदाकिनी का संगम एक खूबसूरत तीर्थ स्थल है। यही वो प्रयाग है जहां स्वयं भोलेनाथ ने देव ऋषि नारद को संगीत की शिक्षा दी थी। इस संगम में स्नान का भी विशेष महत्व है। रुद्रप्रयाग आज जिला मुख्यालय है। यहां का मौसम ठंडा एवं स्वास्थ्यवर्धक है। सुंदर पहाड़ियों से घिरा ये नगर तीर्थ यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। रुद्रप्रयाग का जिक्र पुराणों एवं प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है।
रुद्रप्रयाग से ही चार धाम यात्रा दो रास्तों पर विभाजित होती है। अलकनंदा को पार कर एक रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता अलकनंदा के किनारे किनारे बद्रीनाथ की तरफ जाता है। यहां हर साल श्रावण व महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। रुद्रप्रयाग से आगे चलकर 35 किलोमीटर दूर स्थित है तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम का नाम है कर्णप्रयाग। चमोली जनपद में स्थित कर्णप्रयाग समुद्र तल से 788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों के मतानुसार महाभारत काल में यहां दानवीर कर्ण ने तपस्या की थी और इसी स्थान पर सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण को कवच व कुंडल भेंट किए थे। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा कर्ण प्रयाग एक दर्शनीय स्थल है। श्रद्धालु इस संगम में पवित्र स्नान करते हैं। इसके उत्तर में काल भैरव मंदिर, दक्षिण में जलेश्वर महादेव का मंदिर एवं पूर्व में चंडिका मंदिर स्थित है। कर्णप्रयाग से आगे चलकर चमोली होते हुए हम पहुंचते हैं चौथे प्रयाग नंद प्रयाग। नंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है नंद प्रयाग। यहाँ नंदा भगवती का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष बैशाखी एवं कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को बड़े मेले लगते हैं। 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नंद प्रयाग देवभूमि के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। नंद प्रयाग से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ के रास्ते पर चलते हुए हम पहुंचते हैं पंच प्रयाग के पांचवे एवं अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग। अलकनंदा एवं धौली गंगा के संगम का नाम है विष्णु प्रयाग। कहते हैं यहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन देकर सर्व ज्ञान का वरदान दिया था। यह विष्णु कुंड के नजदीक विष्णु भगवान का मंदिर है। ये जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सच तो ये है कि देवभूमि उत्तराखंड के ये पंच प्रयाग उत्तराखंड की पवित्रता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाते हैं और सदियों से ये तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। पंच प्रयाग के बाद हम बात करते हैं पंच केदारों की। केदार शिव के ही रूप को कहा गया है। देवभूमि में भगवान शिव के पांच भिन्न रूपों को पंच केदार कहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है केदारनाथ। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी के किनारे
किनारे केदारनाथ धाम के लिए मार्ग जाता है। रुद्रप्रयाग से 14 किलोमीटर दूर अगस्त्य मुनि पहुंचते हैं। यह महर्षि अगस्त्य ने तप किया था। अगस्त्य मुनि से गुप्त काशी पहुंचते हैं। गुप्त काशी से फाटा होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। यहां से आगे बढ़कर पहुंचते हैं गौरीकुंड। यह रुद्रप्रयाग से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने यही तपस्या की थी। यहां एक तप्त कुंड है और एक शीतल कुंड, जिसे अमृत कुंड कहते हैं। गौरीकुंड मोटर गाड़ियों का अंतिम पड़ाव है। यहां से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है केदारनाथ के लिए। शीतकाल में केदारनाथ के कपाट बंद होने पर उनकी पूजा ऊखी मठ में की जाती है। यहां ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं पर राजा मानधाता ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और शिव ने ओंकारेश्वर रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। पहले इसका नाम उषा मठ था। कहते हैं शोणितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा ने इसी स्थान पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह किया था। आज भी उनके विवाह का वेदी स्थल सुरक्षित है और पुरातत्व के शोधकर्ताओं के शोध का विषय है। केदारनाथ के द्वार खुलने से पहले ऊखी मठ से भगवान की डोली केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करती है। हजारों स्थानीय लोग तीर्थ यात्रियों के साथ इस डोली के साथ चलते हैं। ये यात्रा सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। ये यात्रा पहुंच जाती है गुप्त काशी। यहां विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। फाटा में रात्रि विश्राम करती है डोली। अगली सुबह यात्रा फिर शुरू होती है और कई पड़ावों से होकर पहुंचती है सोनप्रयाग में विश्राम के लिए। डोली चल पड़ती है सुंदर मनोरम घाटियों से होकर गौरीकुंड की। और एक बार फिर यहां रात्रि विश्राम किया जाता है। रात भर यहां कीर्तन पूजा होती है। अगली सुबह डोली चल पड़ती है, फिर पहुंचती है रामबाड़ा। गरुड़ चट्टी से होकर डोली पहुंचती है घोड़ापड़ा। ऊंचे हिमशिखरों से होते हुए मंदाकिनी के संग चलते हुए डोली पहुंचती है केदारनाथ। अगले दिन प्रातः केदारनाथ के द्वार खोले जाते हैं। लग्नानुसार रावल ब्राह्मण द्वार खोलते हैं। द्वार खुलते समय लोग उल्लास व भक्ति से झूमते रहते हैं। केदारनाथ से कुछ दूरी पर भैरव मंदिर है। इन्हें क्षेत्रपाल अर्थात इस क्षेत्र का रक्षक कहा जाता है। यहां भैरव पूजा होती है। केदारनाथ की डोली 6 मास केदारनाथ में रहती है और शीतकाल में केदारनाथ के द्वार बंद होने पर केदारनाथ की डोली वापस ऊखी मठ की ओर चल पड़ती है पूरे विधि विधान से, वैसे ही जैसे आई थी। उसी रास्ते से वापस जाती है जिससे आई थी। सदियों से ये क्रम जारी है। धन्य है सनातन संस्कृति। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं शंकराचार्य को
केदारनाथ बहुत प्रिय था। वे बद्रीनाथ से अक्सर केदारनाथ के प्रवास पर आते रहते थे और केदारनाथ में ही उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। केदारनाथ हिमालय के 5 प्रमुख शिव धामों में से एक है। अन्य 4 हैं, नेपाल में पशुपतिनाथ, कुमाऊं में जागेश्वरनाथ, हिमाचल में बैजनाथ और कश्मीर में अमरनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से एक है। अन्य 3 हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। जो श्रद्धालु एक बार इस मनोरम स्थान पर पहुंच जाते हैं वही जान सकते हैं कि केदारनाथ में आना यानी शिव को साक्षात अनुभव करना आध्यात्म और भक्ति का ऐसा अद्भुत अनुभव केदारनाथ में होता है जैसा कभी जीवन में अनुभव नहीं किया होता। भगवान नर और नारायण ने शिव शंकर से इस क्षेत्र में निवास कर भक्तों का कल्याण करने की प्रार्थना की थी जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव गोत्र हत्या के पाप के निवारण के लिए यहां आए थे। शिव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे तो वे महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर अन्य भैंसों के साथ विचरण करने लगे मगर भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव धरती में समाने लगे मगर भीम ने महिष का पृष्ठ भाग पकड़ लिया और वो भाग शिला में परिवर्तित हो गया और वही भाग केदारनाथ में प्रतिष्ठित हुआ। शिव का नाभि रूपी भाग मद महेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और भुजा रूपी भाग तुंगनाथ कहलाया। मुख रुद्रनाथ के रूप में व जटा रूपी भाग कल्प नाम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये 5 पंच केदार के नाम से जाने व पूजे जाते हैं। रुद्रप्रयाग में ही दूसरा केदार है मद महेश्वर। चौखंबा पर्वत शिखर की तलहटी पर 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भगवान मद महेश्वर। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हर साल ऊखी मठ से मद महेश्वर के लिए भगवान की डोली मद महेश्वर जाती है। बड़ा पावन दिवस है आज, उल्लास भी है क्योंकि मद महेश्वर डोली की तैयारियां हो रही हैं और डोली चलने वाली है अपने हिमालय आवास के लिए। ऊखी मठ की स्थानीय जनता द्वारा आराध्य देव मद महेश्वर भगवान के लिए गौधूम या स्थानीय भाषा में अगर बोले तो छाबड़ी, इसको भोग के रूप में तैयार किया जाता है। दूसरे दिन भगवान का संपूर्ण श्रृंगार कर रावल ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है तथा रावल जी पुजारी को डोली गंतव्य तक ले जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ईश स्तुति पयारी के रूप में गाई जाती है। संगीत और स्वर का बड़ा आध्यात्मिक संगम होता है इस अवसर पर। ऊखी मठ से कस्तूरा होते हुए डोली चल रही है, भक्ति में डूबे हैं भक्तगण। डोली के साथ रावल जी भी चल रहे हैं, भजन कीर्तन से भरा हुआ है वातावरण। हरी भरी प्रकृति के बीच आस्था का सैलाब दिख रहा है और पवित्र निशान भी चल रहे हैं इस पवित्र डोली के साथ। ऊखी मठ ब्राह्मण खोली फापंज से गुजरकर डोली पहुंचती है मनसूना। भव्य आयोजन है,
बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और भक्त गणों के साथ साथ स्थानीय लोग भी भरपूर भागीदारी कर रहे हैं। मध महेश्वर प्रमुख ईष्ट देवता है यहाँ के। जुगासु होते हुए डोली खेत खलिहानों और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से युक्त रास्तों से प्राउन लेख पहुंचती है। राउन लेक में भी विश्राम होता है। उनियाणा होते हुए रांची, केदारखंड के अध्याय 91 में रामेश्वरी एवं राकेश्वरी महात्म्य के नाम से इस स्थान का धार्मिक वर्णन मिलता है। डोली अब ऊखी मठ के सबसे सुदूर क्षेत्र गोनार गांव का क्षेत्र है, यहां पर पहुंचती है। गोनार निवासी मद महेश्वर के मंदिर के कार्यभार भी संभालते हैं। यहां पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और स्वागत किया जाता है डोली का। प्रातः सुबह 6 बजे फिर गांव के निवासी देते हैं डोली को विदाई। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वाद्य यंत्रों का बजना निषेध कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वाद्य यंत्र बजेंगे तो वन देवियां यात्रा बाधित कर सकती हैं। अब डोली पहुंच रही है बंतोली। बंतोली से मद महेश्वर तक का 10 किलोमीटर का रास्ता पूरी चढ़ाई वाला है। कून चट्टी से मद महेश्वर तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता बचता है। डोली पहुंच चुकी है देवदर्शनी। यहां कुछ देर विश्राम करती है डोली। पहले मंदिर के भंडारी भगवान के समस्त बर्तन भांडे बाहर लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मद महेश्वर स्वयं अपने बर्तन गिनते हैं। इस कार्य में काफी समय लग जाता है। इसके पश्चात भंडारी शंख ध्वनि के साथ डोली के स्वागत का संदेश भेजते हैं। डोली तब मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है। 6 माह के पश्चात बाबा मद महेश्वर अपने घर पर आए हैं। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। जय जयकार से गूंज उठे हैं पर्वत और घाटियां। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात अब गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं मद महेश्वर। उनका आशीर्वाद चिरकाल से अपने भक्तों और अनुयायियों को लाभ पहुंचा रहा है। पंच केदार के अंतर्गत द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर धाम अनंत आह्लादक रमणीय स्थान पर समुद्र तल से 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि मां पार्वती से विवाह के बाद यौवनावस्था में शिव इसी स्थान पर आए थे। शिव पार्वती की प्रणय स्थली के रूप में यह स्थान विख्यात है। रुद्रप्रयाग जनपद में ही 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तीसरा केदार तुंगनाथ। ये पंच केदारों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऊखी मठ से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री तुंगनाथ मंदिर। यहां पर आने वालों को भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वे भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत पर हों। इसकी महत्ता पर यदि हम दृष्टि डालें तो यहां पर भगवान शिव की बाहुभाग की पूजा होती है। ब्राह्मणों के मैठाणी वर्ग के ब्राह्मण यहां पर पुरोहित के रूप में कार्यरत हैं। इतने सुंदर
रमणीक स्थान पर पवित्र श्लोक गुंजायमान हो रहे हैं। एक तरफ जहां भगवान शिव समाधिष्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी डोली को सजाया जा रहा है। पवित्र भभूति, तिल, जौ, अक्षत, चंदन व घी का लेप लगाकर भगवान को समाधि दी जा रही है। डोली जब तैयार हो जाती है तो उसकी शोभा यात्रा में भैरवनाथ, भूतनाथ साथ में चलते हैं गण के रूप में। भगवान पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद उनकी डोली को पंच केदार, भूतनाथ आदि मंदिरों में ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान तुंगनाथ को खदेड़ पट्टी, जिसके 84 गांव हैं, उनसे विशेष स्नेह है और ये निवासी भी बाबा तुंगनाथ को आराध्य के रूप में पूजते हैं। अब डोली चल पड़ी है चोपटा की तरफ। चोपटा है प्रथम पड़ाव। यहाँ पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन प्रातः डोली एक बार फिर चलने को उद्यत है। बनिया कुंड, दुग्गल बीटा, मुक्कू बैंड, हुडू, कांडा होकर भनकुंड पहुंचती है। यहाँ पर एक विशाल पवित्र गुफा मिलेगी आपको। भनकुंड से दूसरे दिन प्रस्थान कर ग्वार, डिलना होकर डोली मक्कू मठ, जो उनका शीतकाल आवास है, वहां पर पहुंचती है। ग्रामीण महिलाएं थाली में अक्षत, जौ, चंदन आदि सजाकर भगवान को अर्घ्य लगाया जाता है। देवों की मूर्तियों को डोली से निकालकर उनका श्रृंगार करके संपूर्ण विधि विधान से मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। हर 12 वर्ष के अंतराल में पंच केदारों में केवल भगवान तुंगनाथ की डोली देवरा यात्रा को जाती है। यहां से लौटकर जब डोली वापस मक्कू मठ आती है तो एक भव्य आयोजन होता है, जिसका विशेष आकर्षण है महायज्ञ। शिव के रौद्र रूप रुद्रनाथ चौथा केदार है। यदि आप प्रकृति का आनंद लेते हुए ईश्वर से सीधा संवाद करना चाहते हैं तो बस चल पड़िए पैदल ही इस 18 किलोमीटर के रास्ते पर, जो ले जाएगा रुद्रनाथ। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थान रुद्रनाथ में केदारनाथ व मद महेश्वर की तरह मंदिर नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव रौद्र रूपी चौथे पंच केदार के नाम से पूजे जाते हैं। माना जाता है कि यही एकमात्र स्थान है जहाँ शिव की मुख की पूजा होती है। स्वयंभू मुखलिंग काले पाषाण का कुछ टेढ़ा अवस्थित है। यात्री गुफा मंदिर में मुखलिंग का दूर से ही दर्शन करके पुजारी द्वारा पूजन कराते हैं। रुद्रनाथ के पुजारी गोपेश्वर के भट्ट व तिवारी हैं, जो बारी बारी एक वर्ष यहाँ के पुजारी होते हैं। लगभग 2 किलोमीटर पर फैली उपत्यका की ओट में एक गुफा में शिवजी मानो अपने हर भक्त पर नजर गड़ाए हैं। चमोली जनपद के ही उर्गम घाटी में है पांचवा केदार कल्पेश्वर। पंच केदारों में से एक श्री कल्पेश्वर उर्गम घाटी में स्थित ग्राम सभा भरकी एवं जनपद चमोली के अंतर्गत स्थित प्रमुख धार्मिक स्थान है। श्री ध्यान बद्री से इस मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। कल्पेश्वर धार्मिक दृष्टि से ये स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव का जटाजूटमय या जटमौली स्वरूप स्थित है।
समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान एकदम शांत एवं आध्यात्मिक है। कल्पेश्वर के नीचे प्रवाहित हिरण्यवती, जिसे अब कल्प गंगा कहा जाता है, कि इस पावन धारा में एक विशाल शिला पर जटा सदृश आकृति स्वनिर्मित है, जिसे शिव की जटाओं के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टि में इन जटाओं का दृश्यावलोकन आनंददायक है। केदारखंड के अध्याय 53 में इस स्थान के विषय में वर्णित है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने ईश्वर की आराधना कर कल्प वृक्ष को प्राप्त किया था। कल्पेश्वर के दोनों पार्श्व में सुंदर जल प्रपात या झरने और नीचे प्रवाहित कल्प गंगा का स्वच्छ पवित्र जल सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर बहता रहता है। पंच केदार श्री केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर के अंतर्गत कल्पेश्वर ही ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, जिसका गद्दी स्थल नहीं है और जिसके निकट शमशान स्थल है। शीतकाल के दौरान जब पंच केदारों में से प्रथम चार केदारों के कपाट बंद हो जाते हैं तो शिव स्थान कल्पेश्वर में ही महाशिवरात्रि का महापर्व या मेला बड़ी भव्यता और धूमधाम से मनाया जाता है। गर्भगृह के निकट नेत्राकार आकार लिए एक प्राचीन कुंड है जिसमें वर्ष पर्यंत जल भरा रहता है। गर्भगृह स्थान संकरा होने के कारण एक समय में 3-4 व्यक्ति ही प्रतिष्ठित लिंग के समक्ष खड़े हो सकते हैं। सच तो ये है कि शिव के ये 5 रूप पंच केदार देव भूमि उत्तराखंड को शिव की भूमि सिद्ध करते हैं। लाखों यात्री हर साल इन पंच केदारों की यात्रा करने देव भूमि उत्तराखंड आते हैं और शिव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंच केदार के बाद आइए चलते हैं पंचबद्री की ओर। बद्रीनाथ के चरणों में अर्पण कर दे मन और प्राण, भक्ति भजन में चित्त रमे तो समय का किसको ध्यान, दिन कट जाए पलों के समान, हो दिन कट जाए पलों के समान, भज मन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। बद्री विशाल भगवान विष्णु का ही एक रूप है और इसके 5 तीर्थ स्थलों को ही पंच बद्री कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ। तेरे द्वार खुले तो मेरे भाग खुले, तेरे द्वार खुले तो मेरे भाग खुले, बद्री नारायण बद्री विशाल, जय जय बद्री नारायण बद्री विशाल। पट बंद हुए तो सारे काम रुके, पट बंद हुए तो सारे काम रुके, बद्री नारायण बद्री विशाल, जय जय बद्री नारायण। बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ होकर पहुंचा जाता है। भारत के 4 श्रेष्ठ तीर्थों में से एक शिव की भूमि केदारखंड में भगवान विष्णु का ये महाधाम सदियों से भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहरा रहा है और सदियों से सनातनियों को अपने दर्शनों के लिए इस महायात्रा पर बुला रहा है। क्षीर सागर में एक बार लक्ष्मी जी से रूठकर भगवान विष्णु नर नारायण पर्वत के पास विशालपुरी में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी
बड़ी परेशान हुई और काफी प्रयास के पश्चात उन्हें पता लगा कि विष्णु जी यहां तपस्या कर रहे हैं। विष्णु भगवान को चिलचिलाती धूप में तपस्या करते देखकर लक्ष्मी जी विचलित हो गईं और वे बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें छाया देने लगी। काफी समय पश्चात विष्णु जी को आभास हुआ कि उन्हें छाया देने वाला वृक्ष स्वयं लक्ष्मी जी हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से वर मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने उनसे हमेशा साथ रहने का वर मांगा। तभी से विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाने लगी और विष्णु जी को लक्ष्मी नारायण कहा जाने लगा और ये वृक्ष बद्री वृक्ष कहलाया और विष्णु जी कहलाए बद्रीनाथ। गंगा के पावन तट पर बद्री एक वन का नाम, नारायण एक साथ बसे बद्री नारायण बद्री विशाल। जय जय बद्री नारायण। समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर प्राचीन काल का है। मंदिर में शालिग्राम की मूर्ति लगभग 4.25 फीट की है। इस मूर्ति को शताब्दियों पहले हुणों और बौद्धों के डर से पुजारियों ने अलकनंदा में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों पश्चात जब शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो पुजारियों से बद्री विशाल की मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि सैकड़ों साल पहले उनके पूर्वजों ने हुणों के डर से इस मूर्ति को अलकनंदा में कहीं डाल दिया था, लेकिन इतने सालों बाद किसी को नहीं पता कि कहां डाला है। शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और अलकनंदा की तरफ एक दिशा में चल पड़े। पुजारी उनके पीछे चले और शंकराचार्य अचानक नारद कुंड में कूद पड़े। पुजारियों में हाहाकार मच गया क्योंकि माना जाता था कि नारद कुंड में मनुष्य गहरे भंवर के कारण बच नहीं सकता, लेकिन शंकराचार्य देव पुरुष थे। वे बाहर आए तो हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी। सैकड़ों साल पहले जब इस मूर्ति को नारद कुंड में डाला गया था तो यह थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गई थी। बद्रीनाथ में आज भी वही मूर्ति हमारा गौरवपूर्ण इतिहास और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की महानता बतलाती है। बद्रीनाथ में मनुष्य को चारों गृह कार्य यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यहां ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर के द्वार अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल से कार्तिक तक खुले रहते हैं। कार्तिक के अंतिम दिनों माघ शीर्ष के प्रारंभिक दिनों में अगले 6 मास के लिए द्वार बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ में कई तीर्थों का पुण्य मिलता है। हिमालय की बर्फीली ठंड में तप्त कुंड में स्नान करके असीम सुख और शांति मिलती है। तप्त कुंड में 12 महीने गर्म पानी रहता है और यात्री इसमें स्नान कर पुण्य के भागी बनते हैं। पास में ही एक शिला है जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। यहां यात्री पितरों को पिंड दान करते हैं। इसके नीचे ही ब्रह्म कुंड है। बद्रीनाथ से कुछ दूर माणा गांव के पास व्यास गुफा है।
जहां बैठकर व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहते हैं वेदों की रचना भी यही हुई। पास में ही वसुधारा का विहंगम दृश्य है और सतोपंत अलकनंदा का उद्गम बिंदु है। यहीं पर स्वर्गारोहण के दृश्य नजर आते हैं। यहीं से पांडव स्वर्ग को गए थे। बद्रीनाथ के द्वार प्रातः 4 बजे खुलते हैं। शीतकाल के पश्चात जब बद्रीनाथ के द्वार खोले जाते हैं तो पारंपरिक पूजा के साथ स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं के भी दर्शन होते हैं। माणा के आसपास के भोटिया मार्छा लोगों द्वारा लोक नृत्य जागरों के साथ किए जाते हैं। इस स्थान पर देश विदेश से तीर्थ यात्रियों के अलावा पर्यटक भी आते हैं। कर्णप्रयाग से एक रास्ता रानीखेत की तरफ जाता है। यहां स्थित है दूसरा बद्री आदि बद्री। आदि बद्री की स्थापना भी आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि बद्री के 14 मंदिरों के समूह की स्थापत्य और मूर्तिकला प्राचीन भारत के वैभव की याद दिलाती है। ये छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। इसमें नारायण मंदिर प्रमुख है, जिसमें 3 फुट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थित है। आदि बद्री मंदिर की स्थापत्य कला प्राचीन एवं अद्वितीय है, जिससे जिज्ञासु यात्री प्रसन्न होते हैं। ये एक खूबसूरत रमणीक स्थल भी है। बद्रीनाथ के पास ही पांडुकेश्वर में तीसरा बद्री है, योग ध्यान बद्री। यहां भगवान बद्री अर्थात विष्णु योग की मुद्रा में है। अलकनंदा के किनारे स्थित योग ध्यान बद्री में पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर भी है। शीतकाल जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल की पूजा यहीं की जाती है। 6 महीने भक्तों की सुने, 6 महीने करे रे विचार, बद्री नारायण चारों दिशाओं में रक्षा करती, तेरी भुजाएं चार, बद्री नारायण चारों दिशाओं में रक्षा करती, तेरी भुजाएं चार, सोए बर्फ की चादर ओढ़े हुए, जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चौथा बद्री भविष्य बद्री। ये तपोवन के पास स्थित है। धौली गंगा के तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। कहा जाता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नृसिंह की मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि एक दिन यह हाथ पतला होते होते टूट कर गिर जाएगा और उस दिन बद्रीनाथ स्थित नर और नारायण पर्वत टूटकर ऐसा विध्वंस करेंगे कि वर्तमान बद्रीनाथ में कोई नहीं जा पाएगा। और तब भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में प्रकट होंगे और तब से वही उनका धाम होगा। बद्री नारायण बद्री विशाल, जय जय बद्री नारायण बद्री विशाल। जोशीमठ से 8 किलोमीटर पहले स्थित है 5वां बद्री वृद्ध बद्री। 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
वृद्ध बद्री भी तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर भगवान बद्री के वृद्ध रूप की पूजा होती है। बद्री नारायण, बद्री विशाल, जय जय बद्री नारायण, बद्री विशाल। ये पांचों बद्री अलकनंदा घाटी में भगवान विष्णु की उपस्थिति के प्रतीक है। सदियों से हिंदू मानस इन पंच बद्री की यात्रा के लिए आते रहे हैं। सच ये है कि पंच प्रयाग, पंच केदार और पंच बद्री के रूप में ये पंच तीर्थ उत्तराखंड की देवभूमि को भगवान शिव और भगवान विष्णु की भूमि के रूप में पहचान देते हैं और हिंदू समाज के लिए भगवान शिव एवं भगवान विष्णु सर्वोच्च देव रहे हैं और इन दोनों को पाने के लिए हर हिंदू को एक बार देवभूमि उत्तराखंड में आना होता है और इन पंच तीर्थ, पंच प्रयाग, पंच केदार और पंच बद्री की यात्रा करनी होती है। और जब तक हिंदू समाज में भगवान विष्णु और भगवान शिव का अस्तित्व है तब तक इन पंच तीर्थों की महत्ता बरकरार रहेगी और भगवान शिव व विष्णु के बिना तो हिंदू समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।